और आगे बढ़ते हुए जयपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। जयपुर से इस बीच एक बड़ी जानकारी है जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया है। आज सामूहिक तौर पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। आज सामूहिक रूप से छात्र नेता का प्रदर्शन पुलिस छावनी में राजस्थान विश्वविद्यालय को तब्दील कर दिया गया है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, ये जानकारी है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी है, छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर लगातार जो छात्र नेता हैं और जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, और इसी मांग को लेकर आज सामूहिक रूप से छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया है। और इस दौरान पुलिस ने दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील भी कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, हालांकि सभी प्रदर्शनकारी नहीं है, कुछ प्रदर्शनकारियों ने को गिरफ्तार किया गया है जो अराजकता फैलाने के मकसद के साथ इस प्रदर्शन में शामिल थे, इस विरोध में शामिल थे। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है जयपुर में, जहां आज सामूहिक रूप से छात्र नेताओं का प्रदर्शन रहेगा। आपको बताएं कि कई ऐसे छात्र नेताओं जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस छावनी में तब्दील हुई है राजस्थान विश्वविद्यालय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक बार फिर से छात्र नेता जो है वो फिर से सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है प्रदर्शनकारियों को, हालांकि पुलिस ने खदेड़ा है यानी उन्हें गिरफ्तार किया है। जयपुर का मामला है जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार जो छात्र नेता हैं वो समय समय पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, और छात्र नेताओं ने एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग उठाई है। और मांग इतनी ज़ोरदार है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस भी अपनी तरफ से अलर्ट है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, सबकी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही किसी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो देखिए, कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है, कम से कम 12 से 13 वो आंकड़ा सामने आ रहा है, जहां 12 से 13 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है प्रदर्शनकारियों के रूप में। दरअसल 12 से ज़्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार जयपुर से हम साझा कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है, और प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आज तो सामूहिक रूप से छात्र नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा है राजस्थान विश्वविद्यालय को। और आपको बताएं कि 12 से ऐसे ज़्यादा छात्र हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। खबर जैसलमेर से है, जहां पर विश्वविख्यात सोना